व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अलकादर ल्यूब एक्सप्रेस पे आज न्यू कल्टर सुजुकी का एजीआर चेंज करते हुए आपको अपनी ओरिएंटेशन देंगे कि इसमें कौन सा गियर, इसके अंदर जो आप देखेंगे ना सुजुकी का जेन्युइन जो गियर वाला था उसका वर्डिंग लिखी होती है 75W और आगे कोई उन्होंने वर्डिंग लिखी थी, दैट इज़ अंडरस्टूड कि वो जो ग्रेड है जो गियर से मतलब है, ये एजीआर है ऑटोमेटिक एंड मैनुअल गियर सिस्टम। व्यूअर्स ये देखिए न्यू कल्टर सुजुकी, आप इस वक्त हम इसके निचले बेड पे खड़े हैं और आपको जहाँ मेरी फिंगर नज़र आ रही है ये इसका ड्रेन बोर्ड है, तो बिल्कुल इसकी आर्क साइड पे जाएंगे ना ये ऐसे, ये आपको ये इसका इनलेट बोर्ड यानी इसमें से हम गियर ऑयल डालेंगे और आपको ये बताया कि इसमें 75W और नेक्स्ट जो इसकी डिजिट्स हैं वो अंडरस्टूड हैं 75W85। ये देखें ये एक गोटी है, सॉकेट है, इसको एल सॉकेट भी कहते हैं, इसको इसके अंदर डालेंगे हम और ये खुलेगा, खोल दिया इसको हमने और हम इसको ड्रेन करेंगे और ये है 75W। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 75W के आगे जो इन्होंने डिजिट नहीं डाले वो अंडरस्टूड है कि गियर का ग्रेड होगा। ये देखें ये इसका गियर ड्रेन हो रहा था, ये आप इसका बोल्ट देख रहे हैं, इसके आगे ये मेटल पार्टिकल्स हैं जो मैग्नेटिक बोल्ट है उसके साथ वो स्टिक रहते हैं ताकि ये अंदर गियर में ना जा सकें। व्यूअर्स इसमें याद रखिएगा करीबन 2 लीटर गियर ऑयल नीचे डलेगा और ये एजीएस होने की वजह से इसके ऊपर अब आपको दिखाएंगे कि उसमें एक्चुएटर ऑयल डाला जाएगा। व्यूअर्स आपने अभी जो ड्रेन बोल्ट खोल के लाए हैं आपको मैंने बताया था कि ये इसको देखें, ये मैल, ये डर्ट, ये असल में मेटल है जो वक्त के साथ साथ गियर के जो पार्ट्स होते हैं उनसे एब्रेस होके आती है और ये मैग्नेटिक बोल्ट के साथ स्टिक हो जाती है ताकि ये वापस गियर में जाके किसी मेटल को नुकसान ना पहुंचा सके। ओके, और अब गियर ऑयल सारा निकल चुका है, ये आपको इनलेट बोल्ट दिखाया है, ये इनलेट बोल्ट ऐसे होगा और ये ड्रेन बोल्ट है, आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, इनलेट बोल्ट अंदर, ये बोल्ट मैं आपको पहले अकेला दिखाऊं, ये इनलेट बोल्ट है ये ऊपर लगेगा और ये ड्रेन बोल्ट है ये अभी हम नीचे लगाएंगे। ये देखें ये ड्रेन बोल्ट मैग्नेटिक वाला, ये मैगन लगा हुआ साथ, ये आप इसमें पहले इसको हाथ से टाइट करना है, हम हमेशा इस बात पर एम्फसाइज करते हैं कि कभी भी कोई भी बोल्ट या स्क्रू और नट आप कभी भी फौरी तौर पर इसके साथ स्पैनर इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये व्यूअर्स अब हम इसको टाइट करने लगे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज आपने टाइट करना है, क्लॉकवाइज टाइट किया और व्यूअर्स ये गियर टेक 75W85 APGL4 गियर ऑयल है 75W। आप अगर इसकी कंपनी ऑयल देखेंगे सुजुकी की तो मैंने सिर्फ ओनली 75W आपको दिखाया है और आम आदमी को महसूस रहता है कि यार 75W5 आगे क्या चीज़ है। असल में ना ये विंटर के लिए स्टार्टिंग है और आगे जो उन्होंने बिल्कुल ब्लैंक रखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि गियर के ग्रेड 80 से स्टार्ट होते हैं, 75W 80 85 90 75W 75W, आपका जस्ट फॉर कोल्ड स्टार्टिंग है, बाकी आप ये अगर आप कंफ्यूज हों इस पे भी इसके बावजूद तो इसकी एक स्मेल होती है गियर ऑयल की जो बताएगी कि ये मैनुअल गियर ऑयल वाला गियर ऑयल है। व्यूअर्स देखें अब हमें इसके अंदर ऑयल को पोर करना है, ये आप पाइप नज़र आ रहा है, ये इनलेट होल है, इसके अंदर से गियर ऑयल इसके अंदर जाएगा, आपने इसको यहाँ लगा देना है, ठीक है, अगर कोई आदमी इसको फिक्स कर दें। और अब ये हम आपको मशीन दिखाते हैं, इसमें गियर ऑयल डालेंगे और ये इसमें ट्रांसफ़र होगा, जैसे ट्रांसफ़र होगा आप वो भी देख सकें, ऑयल की स्पेसिफिकेशन में हम आपको बता चुके हैं, अब हम इसको खोल के इसमें डालेंगे, गियर ऑयल 75W कह सकते हैं इसको, 75W भी कह सकते हैं और 75W85 भी कह सकते हैं। ये हमने ये एक डिवाइस तैयार की हुई है और इसमें डाल के आगे इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये देखें गियर ऑयल की क्लैरिटी डस मैटर मिरर लाइक, बहुत ही कमाल का गियर ऑयल है। कंटेनर में अभी ही दोनों बोतलें डाल देंगे फिर ताकि हम उसको
इजीली आगे ट्रांसफर। एक सेकंड लीटर डाल रहे हैं, ये देखो ऑयल की क्लैरिटी कमाल है। प्योर ऑयल, प्योर वर्जिन बेस ऑयल से तैयार किया हुआ। ये हम इसको हम देख रहे हैं इस पाइप को और से देखें, इसमें आपको ज़्यादा नज़र आएगा। अब इसके लिए हम इसको फिल अप करेंगे। ये ऑयल हम फिल अप कर रहे हैं और ऑयल देखें उसी इनलेट होल में से अंदर जा रहा है। चंद मिनट लगेंगे इसको, जैसे ही वहाँ से वो ओवरफ्लो होकर बाहर आएगा तो हम इसके बोर्ड को बंद कर देंगे। ये इसका लेवल पाइप है, इस पाइप को आपने अपवायर निकाल के फौरन आपने बोल्ट लगाना है। फौरन बोल्ट लगा दिया, ये आपने देखा ये ग्रेन है जो बाहर आया ना, ये इसका मतलब है इसके अंदर इसका लेवल पूरा हो गया है। ओके व्यूअर्स, मे बी आप देख सकेंगे इसको क्लियर। आप देखिए इसको टाइट करेंगे, ये फिर इसको अच्छे से टाइट किया जाएगा। ये जो ये एक्चुएटर ऑयल की बोतल लगी हुई है जो AGS में इस्तेमाल होती है, ये देखें इसको हम खोलेंगे और ये एक इंजेक्शन से इसको सक्सर के पहला जो एक्चुएटर ऑयल है उसको हमें निकालना है। और ये देखें हम इसको निकाल लें, ये ऑयल सारा आपने निकाल लेना है। सारा पुराना फिल्थी ऑयल आप निकाल लेंगे, इसको भी आपने ये AGS ऑयल के साथ चेंज कर देना हर दफ़ा। की सिरिंजेस टेक आउट की हैं अभी और इसमें हम जैपनीज ओरिजिनल थ्री 300 मिलीलीटर हमने निकाला और उतना ही हम डालेंगे। कमाल चीज़ है जैपनीज प्रोडक्ट। आप मैं हम इसको बमुश्किल कैमरे में देख सकते हैं, इतना ही ट्रांसपेरेंट है। ये हम इसमें डाल दिया 300 ml एक्चुएटर ऑयल डाल दिया हमने और ये हम इसका लिड बैक कर रहे हैं। ओके आज हमने आपको कल्टस AGS का एक्चुएटर ऑयल और गियर ऑयल चेंज करना सिखाया। इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ लिया। वी इंजन ऑयल से रिलेटेड पावर ऑयल ATF CVT और फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो आप अल कादर लीव एक्सेस रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी।